नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न। अनुपूरक बजट को लेकर की गई चर्चा। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा रहे मौजूद। रायपुर पहुंचे नवनिर्वाचित सीएम विष्णुदेव साय। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से की मुलाकात। रमन सिंह ने सीएम साय को दी सीएम पद की शुभकामनाएं। बसना विधानसभा पहुंचे विधायक संपत अग्रवाल। सभी विभागों के अधिकारियों को विधायक ने दी चेतावनी। कहा किसी भी सूरत में कमीशन खोरी वसूली नहीं होगी बर्दाश्त। अंबिकापुर में कलेक्टर कुंदन कुमार से मिले नवनिर्वाचित विधायक राजेश अग्रवाल। मूलभूत व्यवस्थाओं को लेकर की चर्चा। पेयजल समस्या के निराकरण को लेकर की तैयारी। नारायणपुर में स्वच्छता को लेकर की गई पहल। नगर पालिका परिषद ने किया स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन। सफाई के प्रति लोगों को किया जागरूक। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी मंत्रालय भवन में कैबिनेट की द्वितीय बैठक संपन्न हो गई है। वहीं बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। और इसी के साथ में दिसंबर महीने में दूसरे पखवाड़े में प्रस्तावित विधानसभा सत्र में प्रस्तुति होने वाले अनुपूरक बजट के लिए कई विभागों के प्रस्तावों पर गहन विचार विमर्श कर अंतिम रूप देने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से उनके राजधानी रायपुर स्थित निवास में सौजन्य मुलाकात की। आपको बता दें कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम साय को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा उपस्थित रहे। साथ ही आपको बता दें कि राजनीतिक रूप से ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और जहां पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की। डॉक्टर रमन सिंह से भी सीएम साय ने जो है शुभकामनाएं भी दी। और आपको बता दें कि राजनीतिक रूप से ये जो मुलाकात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री साय को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौके पर उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचेंगे और आपको बता दें कि दशहरा मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद में यहीं से स्वागत रैली भी शुरू होगी और जो दोनों विधानसभा दक्षिण और उत्तर के क्षेत्रों से गुजरते हुए छत्री चौक पहुंचेगी और यहां पर रैली का समापन होगा। साथ ही आपको बता दें कि सीएम के स्वागत के लिए पूरा शहर तैयारियों में जुटा हुआ है। शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा भी जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचेंगे, दशहरा मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें उज्जैन की हैं और इसके बाद यहां पर स्वागत रैली भी शुरू होगी। और साथ ही आपको बता दें कि दोनों विधानसभा दक्षिण उत्तर के क्षेत्रों से गुजरते हुए छत्री चौक पहुँचेगी और रैली का समापन भी वहीं से किया जाएगा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक जिला उज्जैन संभाग सहित ये उज्जैनी के लिए यवंती के नगरी के लिए गौरवमय क्षण है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री उज्जैनी का निवासी है और यही गौरवमय क्षण के लिए हम भी उस खुशियाँ में सहभागिता बनने के लिए यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे उज्जैन के गौरव का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। और उसकी जिस तरह से पूरा उज्जैन सज रहा है, हम भी उसमें भागीदारी हासिल कर रहे हैं। किस प्रकार से आप तैयार कर रहे हैं, क्या मुझे लगता? आदरणीय का दिल से स्वागत करें, मंच बनाकर स्वागत करें, फूलों से स्वागत करें, मन से हृदय से स्वागत करें। और पूरी उज्जैनी नगर में पहली बार उज्जैनी में पधार रहे हैं शपथ ग्रहण के बाद, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करने का अजाज के माध्यम से किया जाएगा। देखिए, उज्जैन के लिए एक ग्रेट अचीवमेंट का दिन है क्योंकि हमारे बीच के ही नेता माननीय मुख्यमंत्री बनकर हमारे बीच में आ रहे हैं। श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने संगठन स्तर पर तैयारी की है। हमने रूट बनाया है, हमने मंच लगाए हैं, हमने स्वागत की तैयारी की है, पर उज्जैन की जनता और यहाँ के सामाजिक संगठन स्वस्फूर्त अपने मन से जगह जगह आज जो है उज्जैन नगर को सजा कर उनका इंतजार कर रहे हैं। और उज्जैन नगर जिस प्रकार से आज सजा है, जगह जगह जिस प्रकार से मंच लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं,
ये मोहन जी का एक एक व्यक्ति से यहाँ जो नाता है, उस नाते की वजह से इस प्रकार का ये आयोजन हो रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग और नक्सली हमले को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर लगातार टारगेट किलिंग और नक्सली घटनाएं होती रही हैं और इस पर हमारी सरकार बहुत ही गंभीर है और हम सजगता से कार्य करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि केंद्रीय बल छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ में मिलकर लगातार काम कर रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि हम बहुत जल्द ही विधानसभा के सत्र बुलाने वाले हैं। कांकेर जिले में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल अखिलेश कुमार राय शहीद हुए हैं। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। केंद्रीय बल लगातार छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर बहादुरी से, पूरी मुस्तैदी से लगातार काम कर रहे हैं। सरकार नक्सली उन्मूलन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में शांति हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरा ताकत से काम करेगी। देखिए, लगातार घटनाएं हुई है और आप लोगों ने देखा है कि कैसे टारगेट किलिंग होते रही है। हमारे प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है, तो नक्सली घटनाएं तो लगातार प्रदेश में हुई है, पर हमारी सरकार इस विषय पर पूरी तरह से गंभीर है और हम पूरी तरह से सजगता से इस विषय पर काम करेंगे। रायपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायकों के दिल्ली जाने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जो आरोप लगाते थे वे सही थे। कांग्रेस को सरकार मिली तो सुख पाने और धन संचय करने का साधन बना लिया। आगे उन्होंने कैबिनेट गठन को लेकर कहा कि ये सीएम का प्रिविलेज है और सीएम इस बात की चिंता भी कर रहे हैं और जल्द ही कैबिनेट का गठन भी कर लिया जाएगा। वहीं नक्सल वारदात पर डिप्टी सीएम ने कहा कि नक्सलियों से कोई भी बातचीत नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय नक्सलियों पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। संस्कृति ही प्रारंभ से गड़बड़ कर दी। इनको सरकार मिली तो इन्होंने सोचा कि ये सुख पाने का, धन संचय का साधन है। राजनीति शक्ति की आराधना है और शक्ति प्राप्त करके बड़ा परिवर्तन समाज में आप करें, यह प्रयास होना चाहिए। परंतु इन्होंने चौक चौराहे में भी पैसे उगाही का जो मसला बना लिया, तो ये संस्कृति नीचे तक चली गई। मैं सिर्फ कहना यह चाहता हूं कि उसमें अनेक लोग हैं, अनेक तरह के आरोप लगाने वाले। मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं अखबार आपके और आपके चैनल के माध्यम से सुनता हूं। मुझे ये लगता है कि ये सब लोग सच बोल रहे हैं, उनमें कोई गलत नहीं बोल रहा है। जितने उनके आरोप परस्पर लगाने वाले हैं, मैं सोचता हूं कि सब लोग सच बोल रहे हैं। ये हुआ तो ये भी ठीक बोल रहा है, वो बोल रहे हैं ऐसा किया तो वो भी ठीक बोल रहे हैं। इन सारी चीजों का उनको मंथन करना पड़ेगा। इस विषय को लाया है, उन्होंने कहा है कि 19, 20 और 21 को विधानसभा का सत्र रखा जाए, उसमें प्रोटेम स्पीकर पहले और फिर शपथ ग्रहण और अभिभाषण सब कुछ विधिवत वैसे ही होना है। बसना विधानसभा से ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद में विधायक संपत अग्रवाल का पहली बार बसना आगमन पर विधानसभा के पिथौरा साकरा सहित कई जगहों पर भव्य स्वागत सत्कार भी किया गया। वहीं विधायक के गृह नगर बसना पहुंचने पर राइस मिल एसोसिएशन, अग्रवाल समाज, मारवाड़ी युवा मंच और अन्य सभी समाज के लोगों ने आतिशबाजी के साथ में उनका फूलमाला पहनाकर अभिनंदन भी किया। इस दौरान विधायक ने शहीद वीर नारायण चौक सभा स्थल पर पहुंचकर, आपको बता दें कि लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए शहीद वीर नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको प्रणाम भी किया और साथ ही उन्होंने मंच से बसना विधानसभा की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने बसना विधानसभा को हमेशा अपना परिवार माना है और साथ ही सेवा भाव से हमेशा सेवा भी की है। विधायक ने सभी विभागों के अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि आज से पहले जो भी होता आया है वो भूल जाएं और आज के बाद कमीशनखोरी, वसूली, गुंडागर्दी सब बंद करें। किसी भी सूरत में कमीशनखोरी, वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि बसना में जीत के बाद में पहली बार विधायक बसना पहुंचे और विधायक संपत अग्रवाल का यहां पर भव्य स्वागत भी किया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं और विधायक ने विभागों के अधिकारियों को चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि बसना विधानसभा से ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद में विधायक संपत अग्रवाल का पहली बार बसना आगमन पर विधानसभा के पिथौरा साकरा सहित कई जगहों पर भव्य आयोजन किया गया।
आज बसना में अग्रवाल समाज की तरफ से हमारे चाय बिस्किट पोहा और व्यवस्था की गई है। राइस मिल एसोसिएशन की तरफ से की गई है और बसना में संपन्न ब्याह के प्रथम नगर आगमन पर हमने यह कार्यक्रम रखा है। साथ में हमने मिठाई से संपन्न ब्याह को तुला दान कर रहे हैं। राइस मिल एसोसिएशन की तरफ से पेड़ा की संपन्न ब्याह से हमारी यही अपेक्षा है कि बसना का नगर का विकास करें और साथ में हमारे बसना विधानसभा के जितने भी हैं जो भी पेंडिंग कार्य है उसको संपूर्ण पूरा करेंगे। ये तो बड़ी चुनौती थी क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारी घोषणाएं की थी और 5 साल तक कांग्रेस की सरकार उसमें हमारे मात्र 15 विधायक थे। उसके बाद में इस चुनौती को सामना करते हुए और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रचंड भावों से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बिठाया है और 54 सीटों के साथ हम छत्तीसगढ़ में आज शासन में आए। और मोदी जी की गारंटी, बहुत सारी योजनाएं जो लंबित थी जो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हो पाई थी उन सबको हम लोग अब तत्काल उन योजनाओं को प्रारंभ करेंगे। जैसे कि 18 लाख आवास जो रुके हुए थे अब गरीबों का, हर गरीब का आवास जो मोदी जी का सपना है उसका हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया था और बसना विधानसभा जहाँ से कहा जाता था कि राजा का जो सूरज है वो अस्त नहीं होता है, लेकिन जैसा प्रदेश नेतृत्व ने संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया, लगातार यहाँ पर आना जाना हुआ, दौरा हुआ और यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा प्यार इसमें मिला। यहाँ का संगठन बहुत मजबूत है, महासमुंद जिले का संगठन बहुत मजबूत और खासकर बसना विधानसभा के जो कार्यकर्ता है बहुत ही अच्छे और हमने लगातार मिलकर इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे विषयों को उठाया। इस क्षेत्र के जो विधायक थे निष्क्रिय विधायक थे, लापता विधायक थे और जिनको ढूंढना लोग जिनके चेहरे को भी लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, तो ऐसे समय में यहाँ कार्य करते हुए मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने गारंटी दी थी और संपत अग्रवाल जी का एक विश्वास था क्योंकि लगातार उन्होंने सेवा के कार्य किए थे। तो मैं ये लाइनें कहता हूँ कि मोदी जी की गारंटी और संपत अग्रवाल जी का विश्वास, ये दोनों चीज़ों ने यहाँ काम किया और बहुत अच्छी लीड हमको मिली। और सबसे बड़ी बात है मोदी जी की गारंटी का पूरे प्रदेश में जादू चला, हम 54 सीटों पर विजय होकर आए और जैसे ही विजय श्री मिली शपथ लेते साथ हमने पहला काम ये किया कि 18 लाख जो आवास भूपेश बघेल की सरकार ने रोक कर रखे थे उसको स्वीकृत किया और साथ ही 2 साल का बोनस जो किसी कारणवश हमने पिछली सरकार में 2018 में देने से हम चूक गए थे उसको जारी करने का भी काम किया। प्रचंड बहुमत से जो विजयी बनाए ये विजय श्री आप लोगों को मैं सौंपता हूँ, इस विजय के हकदार आप लोग हो। मैं तो पहले भी वादा किया था, आज भी वादा को पुनः दोहरा रहा हूं कि मैं एक सेवक बनके, पहले भी मेरा नाम के आगे शुरू से जन सेवक लिखाते रहा है और जन सेवक बनके ही आप लोग का सेवक बनके 5 साल तक और बसना विधानसभा के तरक्की और विकास का कार्य करते रहूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। कभी भी मेरे अहंकार या घमंड कुछ भी नहीं आएगा और बसना में आज से सुशासन शुरू। बसना ताराचंद प्रेमचंद की छोटी बहू हमारे बसना में जो उपाध्यक्ष जी के नाम से आए संपन्न भैया बहुत ही महान है, उनके लिए हम आज तुला दान एक सबसे बड़ा दान होता है, तुला दान से उनका दान जो किए जा रहे हैं बहुत खुशी की माहौल है। आज बसना में चारों तरफ बहुत मतलब बहुत ही खुशी हो रही है, उसका हम वर्णन नहीं कर पा रहे। आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं संपत अग्रवाल से पूरा बताइए? हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं उनसे, खास करके हमारे पूरे नगर का विकास सबके लिए बहुत अच्छा कार्य करवाना चाहते हैं। अंबिकापुर में नवनिर्वाचित विधायक राजेश अग्रवाल ने सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार से मुलाकात कर शहर की मूलभूत समस्या के निराकरण को लेकर चर्चा की और इसी के साथ में पेयजल की समस्या के निराकरण को लेकर अभी से तैयारी करने और आने वाले गर्मी के सीजन में पेयजल समस्या शहर में ना हो इसको लेकर कार्य बनाने की जो योजना है उसकी भी बात कही है। वहीं विधायक ने गंगापुर शराब दुकान जो हमेशा से विवादित मुद्दा रहा है उसे भी जल्द से जल्द कहीं दूसरी जगह स्थापित करने को लेकर चर्चा की गई है। पिछले साल पेयजल की बहुत समस्या आई थी गर्मी में, उसके लिए
कलेक्टर साहब को मैं बोला हूँ कि अभी से तैयारी करें ताकि इस साल गर्मी में दिक्कत मत हो। गंगापुर शराब दुकान हमेशा विवादित, एक तो शहर के बीच में है, लड़ाई झगड़ा और विवाद रहता है, उसको नेत्र स्थापित करें। मेडिकल कॉलेज के जो रोड हैं, अगले साल मेडिकल कॉलेज वहाँ स्थापित होगा, उसका रोड अभी तक अच्छी स्थिति में नहीं है, अप्रोच रोड उसका नया खोज के बढ़िया बनाए। और शहर में कई जगह मीट मटन की दुकानें खुल गई हैं, जबकि इनको मेरीन ड्राइव में जगह दिया गया है। एक आदमी का जगह भले और दे दीजिए, लेकिन 50 जगह जो मीट मटन की दुकानें हैं ये बंद होनी चाहिए। और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए और ठेला गुमटी वालों को व्यवस्थित करने के लिए, इनको जो जगह जगह लगा हुआ है इनको हटाना नहीं है, व्यवस्थित करना है। ये सब बातें कलेक्टर साहब के संज्ञान में दे के आया हूँ। कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे इल्जाम को लेकर दो पूर्व विधायक को कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी से निकाले जाने को लेकर बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी भयभीत है, जो बड़े बड़े वादे कर रही थी अब कांग्रेस पार्टी में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। विधायक अग्रवाल ने कहा कि विधायकों को निकालने से पहले समीक्षा करनी चाहिए थी, निकालने से पहले दो पूर्व विधायकों की बात भी सुननी चाहिए थी, इसलिए अब बाहर बोलने की स्थिति आ रही। उन्होंने कहा कि जहाँ पर हिटलर शाही चलेगी वहाँ पर यही स्थिति रहेगी। देखिए, कांग्रेस अभी भयभीत है, डरी हुई है और वो सपनों में जी रही थी और बड़े बड़े वादे कर रही थी, और अब कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। और दो पूर्व विधायकों को निकालना, पहली बात तो समीक्षा कर लोगों की बात सुननी चाहिए थी और वो स्थिति नहीं होने के कारण बाहर बोलने की परिस्थिति में लोग आ रहे हैं। तो जहाँ पर भी अधिनायकवाद चलेगा, हिटलर शाही चलेगी, वहाँ ये स्थिति होगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर तो कांग्रेस को और डूबने की। खबर नारायणपुर से, जहां पर देश, राज्य, शहर और गांव को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर पालिका परिषद की तरफ से शहर के जय स्तंभ चौक में एक स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें नगर के सभी नागरिक, स्वच्छता दीदियां, स्वच्छता कर्मचारी और नगर पालिका के सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल होकर नगर की सफाई कर रहे हैं। और इसी के साथ में सभी नागरिकों को भी शहर और देश को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष कोराम के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ है। रायपुर से वापस आ रहे लुंड्रा विधायक का आपको बता दें कि लखनपुर के नवापारा में जोरदार स्वागत किया गया। विधानसभा के बीजेपी विधायक प्रत्याशी प्रबोध मिंज, जो कि विधायक दल की बैठक और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने रायपुर आए थे, अंबिकापुर से वापसी के दौरान मंडल महामंत्री विक्रम सिंह की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रबोध मिंज के काफिले को रोककर आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया। और वहीं स्वागत से प्रफुल्लित होकर विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि आप लोगों का अपना पन बहुत ही आत्मीय है। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये पद मिला है और विधायक मैं नहीं बल्कि ये सभी कार्यकर्ता विधायक हैं। बसना के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के दौरान मानवता का परिचय दिया है। आपको बता दें कि विधायक अग्रवाल ने अपनी विधानसभा में जीत के बाद में जनता के आभार रैली का आयोजन भी किया। इस दौरान पिथौरा बसना मेन हाईवे से गुजरते हुए विधायक ने देखा कि एक दंपत्ति अपने दोनों बच्चों के साथ में घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़े हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने तत्काल अपनी कार को घायलों को अस्पताल भिजवाया और इसी के साथ में पिथौरा थानेदार और हॉस्पिटल से बात कर घायलों के तुरंत उचित इलाज की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए हैं। खबर अंबिकापुर से, जहां पर पुलिस अधीक्षक सरगुजा सुनील शर्मा ने प्रशासनिक फेरबदल किया, जिसमें दो सहायक उपनिरीक्षक और एक आरक्षक का तबादला आदेश जारी किया गया। इसमें अरुण कुमार गुप्ता को थाना लखनपुर से थाना मणिपुर, समृत जिला चिकित्सालय अंबिकापुर और सिद्धियूस लकड़ा थाना मणिपुर, समृत जिला चिकित्सालय अंबिकापुर से चौकी कुन्नी प्रधान आरक्षक हीरा सिंह और रक्षित केंद्र अंबिकापुर से थाना मणिपुर, समृत जिला चिकित्सालय अंबिकापुर और स्थानांतरित किया गया है।
दंतेवाड़ा जिले में जमीन विवाद के दौरान खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। आपको बता दें कि भासी थाना क्षेत्र के खुजेपाल गांव में हुए जमीन विवाद में एक ग्रामीण पर धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात में दो आत्मसमर्पित नक्सली और एक ट्रक ड्राइवर के शामिल होने की बात मृतक के परिजनों जो हैं वो कर रहे हैं। वहीं मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच लगातार जारी है और पूछताछ भी की जा रही है। इसके साथ में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। छत्तीसगढ़ सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से भिड़ंत में पुलिस ने दो नक्सलियों को मार गिराया। आपको बता दें कि गढ़चिरौली पुलिस दल इलाके की तलाशी लगातार कर रही है और जिस दौरान नक्सलियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसका पुलिस दलों ने जवाब भी दिया और इसी के साथ करीब एक घंटे तक गोलीबारी होती रही और इलाके की तलाशी में दो पुरुष नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, जिनके पास से AK-47 और SLR हथियार भी मिले हैं। मेहनगर और साथ ही झबुआ के बीच नाले में फैक्ट्रियों से केमिकल और अन्य रासायनिक पदार्थ छोड़ने से पिछले दिनों गाय की मौत का मामला सामने आया था। वहीं शुक्रवार को भी फिर से एक गाय की मौत हो गई है और इस मामले को लेकर आमजन और पशु प्रेमियों में खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि इसके बाद में जाँच के शुक्रवार को अधिकारी भी पहुंचे और इस दौरान मौका मुआयना कर पंचनामा बनाया गया। प्रदूषित पानी की जाँच करने पर रासायनिक कलर युक्त जल बहता हुआ पाया गया, जिसमें कई प्रकार के केमिकल पाए गए हैं। सप्ताह में लगभग तीन गाय मर गई, एक नील गाय मर गई, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो बकरियां हैं, तीन चार बकरियां मर गई, उसका तो खैर ठीक है, लेकिन ये बड़ी बड़ी जो घटनाएं हो रही है उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हो रहा। और हम तो ये चाहते हैं कि जो वन विभाग से होकर के इस केमिकल फैक्ट्री, जो फैक्ट्रियों का केमिकल आता है, तो वन विभाग आज तक कार्रवाई क्यों नहीं करता, उसको भी इस मामले में संज्ञान में लेना चाहिए। वन विभाग के फॉरेस्ट के अंदर से आता है, जंगली जानवर भी मर रहे हैं, इसको ये केमिकल पानी आने नहीं देना चाहिए। अगर वो बंद कर देता है तो हमारे इस नाले में पानी नहीं आएगा। वन विभाग के संबंधित अधिकारी को आपने सूचना दी थी क्या? वन विभाग के अधिकारी पिछली बार जैसे गाय मरी थी तो वो यहाँ पर मौके पे आए थे, उन्होंने बोला नील गाय लेके भी गए, हम इसकी जाँच करेंगे और आगे हम अवगत करवाएंगे, ऐसा बोला है उन्होंने। पर मतलब हमारा ये कहने का मतलब है कि जो जंगल से होकर के नाले में जो केमिकल वहाँ से आता है, तो क्या वन विभाग को इस संबंध में जानकारी नहीं है? छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में न्यूनतम तापमान 0.303 डिग्री दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इसी के साथ में सरगुजा जिले में कड़ाके की ठंड भी देखने को मिल रही और नगर निगम की टीम ने अभी तक चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की है। आपको बता दें कि इस कड़ाके की ठंड में जनजीवन अस्त व्यस्त भी कर दिया है और लोग इस कड़ाके की ठंड में अलाव का सहारा लेने को भी मजबूर हैं। बहुत ठंडा है यहाँ, 8 बजे निकलने में बहुत खराब है, सुबह बहुत मिन पर में ठंडी है, इतना ठंडी है कि मत पूछिए। स्कूल में बच्चे लोग को छुट्टी देना चाहिए। मेन पार्ट में बहुत ज़्यादा ठंड है और आज तो बहुत ज़्यादा ठंड पाला पड़ा हुआ है और कड़ाके की ठंड से लोग घर से निकलना दूभर हो गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड की वजह से धूप का असर भी बहुत काफ़ी कम है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में हर 3 साल में पंचायत सचिवों का चुनाव होता है, जिसके अंतर्गत सचिवों का चुनाव होने के साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष को चुना जाता है और इसी की तरह से कोंडागांव जिला अंतर्गत 5 ब्लॉक आते हैं और इन सभी ब्लॉकों में सचिव संघ का अध्यक्ष चुना जाता है और जिसके तहत में फरसगांव गाँव और साथ ही जनपद पंचायत के सभागार में भी फरसगांव ब्लॉक के पंचायत सचिव संघ का निर्वाचन प्रक्रिया से अध्यक्ष चुना जाता है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मण शोरी और पर्यवेक्षक सैतपाल पटेल की उपस्थिति में चुनाव को संपन्न करवाया गया और चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण बघेल और संभाग प्रवक्ता उमेश पांडे ने अपनी दावेदारी पेश की, जिसमें क्षेत्र के सभी सचिवों ने अपने मत का प्रयोग कर अध्यक्ष को चुना है और जहां पर चुनाव में लक्ष्मण बघेल को 25 मत मिले, उमेश पांडे को 26 मत मिले और इस तरह से उमेश पांडे ने 1 मत से जीत हासिल की है और फरसगांव ब्लॉक के नए सचिव संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के निर्णय अनुसार 10 दिसंबर 2023 से पूरे छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में ब्लॉक सचिव संघ के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उसी तारतम्य में, उसी परिपालन में
हमारे कोंडागांव जिलों में, जिले में 10 दिसंबर से चालू हो चुका है, जिसमें इसके पूर्व हम 2 ब्लॉक का निर्वाचन कर चुके हैं और आज हमारे कोंडागांव जिला के ब्लॉक इकाई फरसगांव के सचिव संघ ब्लॉक अध्यक्ष का निर्वाचन रहा है, जिसमें 3 अभ्यर्थियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें से 1 अभ्यर्थी ने अपना नाम वापस लिया, जिसमें 2 अभ्यर्थी हमारे चुनाव प्रक्रिया में भाग लिए और मतदान के उपरांत आज 1 मत से हमारे उमेश कुमार पांडे को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।